नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना जो पेटीएम का कैश पॉइंट होता है उसे कैसे आप रिडीम कर सकते हैं अपने वॉलेट में बैलेंस की तरह, उसे कैसे यूज़ करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब भी हम किसी भी मोबाइल का रिचार्ज करते हैं या किसी भी बिजली का बिल पे करते हैं या किसी भी तरह का बिल पे करते हैं, तब हमें कुछ कैश पॉइंट दिए जाते हैं। उस कैश पॉइंट को आप कैसे रिडीम कर सकते हैं अपने पेटीएम वॉलेट में, आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, उसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल को जो आपका पेटीएम एप्लीकेशन है उसे ओपन करना है। पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल वाला आइकन है यहाँ पर लेफ्ट साइड में, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैशबैक एंड ऑफर्स का, तो आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो भी कैशबैक का जो इंटरफेस है यहाँ पर पूरा का पूरा कैशबैक जहाँ पर आपको दिखाई देता है सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं। जितनी भी आपकी डील्स है कैशबैक आपको अभी तक मिला हुआ है, और आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में मेरे जो कैश पॉइंट है वो 2173 है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे और भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको सारे कैश कार्ड है, स्क्रैच कार्ड भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट वाला ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी पॉइंट है यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एक्सपायरी तारीख है। एक्सपायरी आपको जल्दी से जल्दी आपको एक कुछ एक्सपायरी तारीख होती है इसकी, जो आप देख सकते हैं एक्सपायरिंग अक्टूबर 31 में एक्सपायर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या है, 10 दिन का ही मेरा टाइम है, तो हमें रिडीम कर लेना है, नहीं तो जो कॉइन है सारे के सारे चले जाएंगे, तो हमें रिडीम तो करना ही है। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप कुछ और कूपन भी ले सकते हैं, मगर यहाँ पर हमें रिडीम करना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कन्वर्ट टू पेटीएम बैलेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कन्वर्ट टू यार पेटीएम बैलेंस। तो यहाँ पर आपको नीचे कूपन ही मिल जाती है कुछ। तो अगर आप 1000 पॉइंट यूज़ करेंगे तो आपको 10 रुपये का पेटीएम गिफ्ट मिले, वाउचर मिलेगा जो आपके पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफ़र होगा। अगर आप 5000 का करेंगे तो आपको 50 रुपये गिफ्ट वाउचर मिलेगा जो आपके पेटीएम बैलेंस में जाएगी। इसी तरह के 10000 पे 100, 2500 पे 250, इस तरह के आपके यहाँ पर कूपन मिलेंगे। तो मेरे में फ़िलहाल अभी 2000 ही है, तो मैंने 10-10 वाले दो रिडीम करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर रिडीम पर क्लिक करूँगा, उसके बाद आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल फॉर 1000 पॉइंट, तो हमें क्लिक करना है इस पर। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मैसेज आएगा पेटीएम गिफ्ट वाउचर कंप्लीट। उसके बाद आप नीचे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू पासबुक, तो हम व्यू पासबुक पर क्लिक करेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों मेरे अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं था मेरे पेटीएम वॉलेट में, तो यहाँ पर आ चुका है। तो मैं आप तो दिखा देता हूँ कैसे ये बैलेंस आया है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों पेटीएम पे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो पेटीएम पेमेंट हिस्ट्री पे हम क्लिक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मनी एड टू पेटीएम गिफ्ट वाउचर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 रुपये हमारे गिफ्ट वाउचर में यहाँ पर वॉलेट में ऐड हो चुके हैं। आप ऊपर टाइम भी देख सकते हो, 8:32 हुआ है और मैंने 8:31 को यहाँ पर रिडीम किया था, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी तरह हम दूसरा भी जो गिफ्ट वाउचर है यहाँ से जो मेरे 1000 पॉइंट और बचे उसका भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम वापस से क्लिक करेंगे और वापस से हम क्लिक करेंगे, उसके बाद वापस से हम रिडीम पर क्लिक करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। तो हमारा जो दूसरा है वो भी ऐड हो गया, मैं आपको पासबुक खोल के दिखा था, 20 रुपया हो चुका होगा। तो हम व्यू पासबुक पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेटीएम बैलेंस में 20 रुपया हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने पेटीएम पे जो कन्वर्ट पॉइंट है उसे बैलेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।